देख रहे हैं आप, खाएंगे नहीं, पेट्रोल लेंगे। घरों में जनरेटर में लाइट नहीं है, पेट्रोल से जनरेटर चलाना है, बच्चों को खिलाएं क्या, पेट्रोल ला लें क्या, क्या करें। कमीने ने कहा था कि मैं कपड़े उतार दूंगा, नंगा हो जा बेगैरत कमीने। जितनी गालियां इनको बगी जाए ना उतनी कम है। अगर हमारे को काटना है, पाकिस्तानी आवाम को एक साथ काट के फेंक दो, जाओ अपनी कोठियां बंगले और अपने आबाद करो अपनी कौम। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना। महीने में 60 रुपए बढ़े हैं पेट्रोल के, एक महीने के अंदर से 60 रुपए बढ़ाए, वो भी अचानक नोटिफिकेशन देकर। मैं भाई नॉर्मल दिलाना आया था 2 लीटर, मेरा 2 दिन अपने गुजार लूँ। ये बच्चों का पेट काट काट के हम लोग ये जीते हैं, यहाँ पर आके हमें लोग, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए ना हमें जीने देगी ना हमें मरने देगी। आज ही मैं न्यूज़ सुन के आ रहा हूँ कि हमारा एडमी प्लांट भी इंशाल्लाह चंद दिनों में हवाले कर दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक जिंदाबाद। अगर आप यहाँ चलते रहोगे इस तरह हमारे मुल्क में और हमारे लोग करते रहेंगे तो हम बेवकूफ़ मरते रहेंगे। अगर हमारे को काटना है, पाकिस्तानी आवाम को एक साथ काट के फेंक दो, जाओ अपनी कोठियाँ बंगले और अपने आबाद करो अपनी कौम। ये देखिए कि ऑयल इन्होंने 200 रुपये बढ़ा दिया है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का एक ऑर्डर लगा हुआ है जी, खुला तेल भी नहीं मिलेगा। मतलब ये कि कहीं से 10 रुपये भी वो खुला तेल 20-25 रुपये सस्ता होता है। तो इनका आलम यह है कि यार इन्होंने खुला तेल पर भी पाबंदी लगा दी और सख्ती है। इवन यार मैं आप देखें जो बड़े एक चीज़ ईरान से हब तक पहुँच रही है इस मंगनी होके, उसको वहाँ नहीं रोका जा रहा। अगर गरीब आदमी अगर 10 किलो तेल लेके आ रहा है, पुलिस वाले उसको पकड़ के जेल में कर रहे हैं, उसे ले रहे हैं। तो यार मतलब ये कि भाई एक तो तुमने रेट इतना बढ़ा दिया और पूरे सियासतदान स्मगलिंग कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, खाएंगे नहीं, पेट्रोल लेंगे। घरों में जनरेटर में लाइट नहीं है, पेट्रोल से जनरेटर चलाना है, बच्चों को खिलाएं क्या, पेट्रोल ला लें क्या, क्या करें। कमीने ने कहा था कि मैं कपड़े उतार दूंगा, नंगा हो जा बेगैरत कमीने। जितनी गालियां इनको बगी जाए ना उतनी कम है। फैमिली है, गाड़ी में आया हूँ, पूरे रास्ते गाड़ी में पेट्रोल खत्म। आप पेट्रोल बढ़ा रहे हो ना, तो यार पंप्स को खोलो ना, लोगों को तकलीफ तो और मजीद तो ना दो ना। पेट्रोल बढ़ा कर भी मजीद तकलीफ दे रहे हो। पेट्रोल पंप्स वाले अपना माफिया, पेट्रोल बंद 12-1 बजे के बाद खुलेगा नए रेट पर, तो लोगों को तो तकलीफ ना दो। वैसे ही लोग परेशान हैं, बुरा हाल हुआ हुआ है, काम है नहीं। अब आप महंगाई पर महंगाई कर रहे हो। अब यहाँ देखो लोग, अच्छा यहाँ भी माफिया ही है, लोग बड़े बड़े कैन भरेंगे और फिर बेचेंगे। मतलब किसी को आवाम का ख्याल है ही नहीं यहाँ पर भाई। यहाँ आवाम भी खुद भी सही नहीं है और यहाँ हुकूमत भी सही नहीं है। बहरहाल बड़ा बुरा हाल है। अभी पेट्रोल लेने आए, देखे जाओ रोड ब्लॉक है, पेट्रोल मिल नहीं रहा है, सब जाम पड़ा हुआ है। हम सदर से लेकर यहाँ तक तकरीबन 1.5 घंटे में हम पहुँचाए, क्योंकि वे पेट्रोल पंप के सामने हर जगह रोड जाम पड़ा हुआ है। ये क्या चक्कर है, रोज़ाना रोज़ाना रेट बढ़ रहा है। रोज़ाना जब से इमरान खान आया वो बढ़ा रहा था, अभी ये आया ये बढ़ा रहे। हम लोग कहाँ जाएंगे, गरीब लोग कहाँ क्या करेगा। इन लोगों को ये सही समझ में नहीं आता। हमारी ज़िंदगी बड़ी ख़राब कर रहे हैं। हमारे दबा ट्रेप को दोनों हाथों से नाले थे, टूटा भी मारेगा हम इनको। वालिद साहब को दवाई दिलाने आए थे, फालिज के मरीज़ हैं। अच्छा जी। और तकरीबन 1.5 घंटे से लाइन में खड़े हुए हैं। इमरान खान ने जाते हुए किसी गरीब का नहीं पूछा। आखिरी वक्त तक सीट ही सीट उनके जहन में थी, गरीब आवाम उनके जहन में नहीं थी। ये वही आवाम है जो पहले नवाज शरीफ के लिए मर मर के दुआएं मांग मांग के और शहबाज शरीफ को बरसर इख्तदार लाएं। और शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह आपको ज़िंदगी और सेहत दे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और अल्लाह आपको सीट पे दायम व कायम रखे। ये वही आपकी आवाम है जो आपके लिए रोती थी, गिड़गिड़ाती थी और आपस में झगड़ा करती थी। आवाम का ये हाल करोगे तो पहले वाली ज़िल्लत की ज़िंदगी से जो आप निकले हो, ये आवाम का दुख और आवाम का दर्द। आपको डर उस लाठी से जिसमें आवाज़ नहीं, डर उस रब से जो किसी का मोहताज नहीं। सरकार इसी तरीके से रहेगी तो साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में आखिर जिल्लत उनका मुकद्दर बन जाएगा। गरीब आवाम का जो ख्याल करेगा दुनिया और आखरत में फला वही पाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। पाकिस्तान हर हाल में जिंदाबाद। खाना हो या ना हो, गैस हो या ना हो, पेट्रोल हो या ना हो, रोटी हो या ना हो, मगर पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने गरीब आवाम को सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं दिया, इसीलिए जिल्लत उनका मुकद्दर बन के रही है। ये नागजीर इजाफा नहीं था, ये रशिया से डील नहीं लिया इन्होंने। ये आजाद खारजा पॉलिसी, इसी वजह से हम कहते हैं, इमरान खान कहते थे कि आजाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए ताकि हम अपने मुल्की मफाद में फैसले कर सके। ये तो चेरी ब्लॉसम हाथ में पकड़ी हुई है, बूट पॉलिश करने के ऊपर लगे हुए हैं, अमेरिका की गुलामी उन्होंने कबूल की हुई है, आवाम के ऊपर सारा बोझ डाल दिया है। और भाई भारत जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो इनको वो सब कुछ दे रहा है, असला दे रहा है, सारी टेक्नोलॉजी दे रहा है, उनका वजीर खारजा खड़ा होके
सेक्रेटरी ब्लिंकन के मुंह पे कहता है कि हम जो है वो रशिया से तेल लेंगे क्योंकि रूस भी लेता है, अच्छा यूरोप भी लेता है, आप उनको रोक लें, आप हमें क्यों रोक रहे हैं, हम अपने मफाद को देखेंगे। क्योंकि भारत की खारजा पॉलिसी आजाद है, उन्होंने अपनी आवाम का फायदा किया, $2 अरब बचाए उन्होंने सस्ता तेल लेके, 3,40,00,000 बैरल तेल जो है वो रशिया से इंपोर्ट कर चुके हैं सस्ता तेल। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना।